नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है वैनगंगा रियल्टीज के डायरेक्टर श्री श्रीहरि चौधरी जी। चौधरी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसा देखा गया है कि कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ रहा है, लोगों को एक नेचुरल हाउस की डिमांड बढ़ रही है लोगों के बीच में। आपका एक रियल्टीज का बिजनेस है और कई तरह के आपके पास प्रोजेक्ट्स है, लेआउट्स के प्रोजेक्ट्स है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो आपके प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करना चाहता है तो किस तरह के आपके पास प्रोजेक्ट्स है, क्या रियल्टीज प्रॉपर्टी का क्या टाइप्स है, उस बारे में बताइए। सर, एक्चुअली कैसा है, हम तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में काम करते हैं और हमारी स्पेशलिटी नागपुर में ही रही है। पिछले कई सालों से हम जब काम कर रहे हैं तो नागपुर में वर्धा रोड पे काम कर रहे हैं और नागपुर आज के लिए किसी के लिए नया नहीं है। आज नागपुर का जो डेवलपमेंट है ये सारे वर्ल्ड में फेमस है ना, क्योंकि नागपुर में आज मिहान जैसा बड़ा प्रोजेक्ट आया, उसके बाद पिछले 2015 तक के बिजनेस अच्छा चला, पिछले 2-3 साल बिजनेस थोड़ा स्लैक रहा, फिर कुछ डिमोनेटाइजेशन का भी इफेक्ट रहा बिजनेस पे, उसके बाद जैसे तैसे बिजनेस उठ ही रहा था। हमने 2016-17-18 में अच्छा बिजनेस किया, फिर 20 के स्टार्टिंग में क्या हो गया कि पहले नागपुर में NIT वर्क किया करता था, लेकिन 2017 से यहाँ पर NMRDA आया और उसके बाद कई सारी जो लैंड थी शहर के पास की करीब की लैंड, पहले हम जो लैंड का काम करते शहर से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर होता था, लेकिन NMRDA आने के बाद में कई सारी शहर के पास की लैंड जो है ये अलोबेल की गई और उसके कारण सारे जो डेवलपर्स है इनको शहर के करीब लेआउट जानने के लिए डालने के लिए जगह की उपलब्धि हो गई। उसके कारण हम जो 12-15 किलोमीटर पे काम करते थे हमारे लेआउट सब सिटी के पास आ गए, तो आज जो हमारे पास हम जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो लोगों को एक जो नीडी पर्सन है जिसको 6 महीने में साल भर में घर बनाना है उनके हिसाब से भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है। उसके बाद NMRDA होने के कारण क्या हो गया कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी आ गई, गवर्नमेंट ने रेरा भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया, तो रेरा के तहत हमको प्रोजेक्ट के अंदर में सारी डेवलपमेंट देना पड़ता है जो कि बेसिक नीड्स होती है, सीमेंट रोड, सीवेज लाइन, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, डिमार्केशन, जिसमें कि एक नीडी पर्सन तुरंत हमारे डेवलपमेंट के बाद घर बना के रह सके। और उस कारण क्या हो गया कि बैंकों ने भी इसमें इंटरफियर दिखाया, अपना बैंकों ने इंटरेस्ट दिखाया कि आज हर बैंक इवन प्राइवेट से लेकर के नेशनलाइज बैंक SBI तक के यहाँ पर 80% तक के प्लॉट्स पर लोन कर रही है क्योंकि इसमें डेवलप भी है और रेरा भी अप्रूव्ड है, उसके साथ साथ रिलीज लेटर मिल रहा है NMRDA का। तो उसके कारण लोगों को जो पहले की एक पैसा इकट्ठा करने पे प्रॉपर्टी लेने की जो सोचते थे आज किसी के पास 20% की भी अमाउंट की अरेंजमेंट है तो आज वो 100% की प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि 80% तक की बैंक उनको लोन प्रोवाइड कर रही, इससे लोगों की हिम्मत बढ़ गई और आज नागपुर एक डेवलपिंग सिटी में आता है। आज अगर अपन बाकी शहरों की बात करते, बड़े बड़े दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसे मेट्रो सिटीज की बात करते तो वहाँ का एक रेट्स का जो रेंज है वो हायर साइड चला गया है, लेकिन आज इन्वेस्टर के लिए नागपुर एक बहुत बूमिंग स्टेज में है। आज एक प्रेफरेंस है कि उन्हें आज नागपुर जैसे सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि आज भी नागपुर में हमारे पास में जैसे हम जो काम कर रहे हैं मेरे पास वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स है, मेरे पास 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के प्रोजेक्ट है, उसमें जो परचेसर है उनकी डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम उनको सजेशन देते हैं। कोई कहता है कि हमारे पास 6 महीना में घर बनाना है तो उसके लायक शहर के पास में प्रोजेक्ट दे देते हैं, किसी का 5-6 साल का इन्वेस्टमेंट है तो शहर से 8-10 किलोमीटर पे देते हैं, किसी का अगर लोअर इनकम ग्रुप है जो कोई 20-25 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये कमाने वाला भी आ जाता है उसके भी प्लॉट में इन्वेस्ट करने की जिज्ञासा होती है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिटी से थोड़ा दूर लेकिन 500-600 रुपये स्क्वायर फीट पे 18 महीने की इंस्टॉलमेंट में हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसमें भी अगर उनको चाहिए तो बैंक लोन की सुविधाएं हैं। तो ये क्या हो गया कि प्रोजेक्ट्स की हमारे पास वैराइटीज तो है लेकिन सारे प्रोजेक्ट डेवलप्ड है, NMRDA अप्रूव्ड है, RL सभी प्रोजेक्ट्स में, और सभी प्रोजेक्ट्स में इवन 500 से लेकर 2500 तक के सभी प्रोजेक्ट्स में हम 80% तक के सभी नेशनलाइज बैंकों से लेकर के प्राइवेट बैंकों से या प्राइवेट कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है सभी से हम लोन सुविधा प्रोवाइड करते हैं। मैंने 2020 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मैं जहां बैठा हूं मेरे ऑफिस से हार्डली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, मैंने जो प्रॉपर्टी 2020 में जनवरी 2020 में हमने लॉन्च किया था तब हमारा एक डेवलपमेंट स्टार्ट होने का था, तब 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट हमने वहाँ प्लॉट का रेट लॉन्च किया था। आज वहाँ पर मेरे प्रॉपर्टी के अंदर में सीमेंट रोड, सीवेज लाइन, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, डिमार्केशन,
गार्डन डेवलपमेंट सारी चीजें अमेनिटीज बन के रेडी है। इवन वहां पर कुछ नीडी पर्सन्स ने 2-3 मकान भी बना के वहां रहना शुरू कर दिया। आज वहां पर मुझे 2500 तक के लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन आज मेरा प्रोजेक्ट तो फिनिश हो चुका है, लेकिन इसका बेनिफिट किनको मिला, जिनने 1500 रुपए से प्रॉपर्टी मिला लिया है। तो आज 1 से 1.5 साल में लोगों को वहां पर 1500 के 2500 यानी 1000 रुपए तक का अप्रिसिएशन मिला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी काफी शुक्रगुजार करेंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि उन्होंने सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक के यहाँ महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी में छूट देके रखी थी। तो शायद उसका पुशअप या जो भी है, लोगों का काफी सारा फायदा हुआ और काफी सारा बिजनेस मिला नागपुर में पिछले उस पीरियड में। अच्छा खासा यहाँ पर प्लॉट्स का सेलिंग हुआ, हमने भी काफी सारे लेआउट बेचे हैं और उसी दौरान लोगों को भी अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिला है। आज जो प्रॉपर्टीज हम दे रहे हैं वो लोगों के लिए एकदम उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिटेड है। और जैसे कि बोलते हैं कि PPP फॉर्मूला, हम PPP फॉर्मूले में काम करते हैं, प्रोडक्ट, पेपर एंड पर्सन। दैट मीन्स हम खुद आ जाते हैं उसमें, प्रोडक्ट दैट मीन्स हमारे लोकेशंस, हमारे प्रोडक्ट में जो डेवलपमेंट होती है वो, और पेपर दैट मीन्स हमारी ट्रांसपेरेंसी। हम बाकायदा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ही काम करते हैं सारे प्रोजेक्ट्स। आपको पहले ही बताया मैंने कि 80% तक बैंक लोन देती है। जब कोई प्रोजेक्ट में बैंक लोन दे रही है तो ऑलमोस्ट वो प्रोजेक्ट क्लियर टाइटल होंगे तभी बैंक लोन देती है। चौधरी जी, आप हमारे बायर्स को ये भी बताइए कि जिस तरह के आपने अभी वर्णन किया कि इस तरह के आप लोग फाइनेंस स्कीम भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन काफी जो बायर्स है उनके मन में एक कंफ्यूजन का माहौल है कि कई तरह के जो लैंड डेवलपर्स है कई तरह के लिक्विडिटी ऑफर्स दे रहे हैं। तो बोलने का मतलब ऑफर्स देने के बाद यदि वो बाय इंस्टॉलमेंट अपना प्लॉट परचेस करते हैं तो अंत में देखा कि उनको पोजेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है, मतलब उनके नाम पे जो आप सेल डीड बिल्ड करते हैं ना, तो उसके प्रॉब्लम काफी उनको फेस करना पड़ता है। तो उस संदर्भ में आप बताओ कि आपकी सिस्टम किस तरह से वर्कआउट करती है उस बारे में। जैसे कि सर आपने हमको हमसे सवाल किया, अभी ये सवाल का अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो ये जो डेवलपर्स आते हैं, ये जो रेरा को ताक पे रख के, NMRDC को ताक पे रख के, बिना सेंक्शन, बिना डेवलपमेंट, काफी सारे नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आज नागपुर के मार्केट में काफी सारे लोग हैं अच्छी खासी येलो बेल्ट की जगह को वो बिना सैंक्शन करके लोगों को इंस्टॉल, जहां हम 1000 रुपए में प्रॉपर्टी बेचते हैं, 1000 रुपीज स्क्वायर फीट जहां प्रॉपर्टी का रेट होना चाहिए RL वाली, वहां वो लोग 700 रुपए स्क्वायर फीट से प्रॉपर्टी बेचते हैं। लेकिन उसका नतीजा वही है कि 1-2 साल इंस्टॉलमेंट लेते हैं उनसे, उस पर फाइनेंस होता नहीं है, वो डेवलप करते नहीं है। और आज तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर लास्ट 6 महीने से एक नया नियम लागू किया है कि विदाउट सेंक्शन, विदाउट RL वाली प्रॉपर्टी, विदाउट एनी प्रॉपर्टी में आप कोई भी रजिस्टर डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, इवन सेल डीड भी नहीं कर सकते, इवन रजिस्टर एग्रीमेंट टू सेल भी नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वो प्रॉपर्टी लेकर के कोई मतलब नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी में कभी भी कोई भी बायर ने इंटरेस्ट लेकर के वहां 2 पैसा अपना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपको अगर पावर करके दे रहा है डेवलपर, लैंड डेवलपर अगर पावर ऑफ अटर्नी करके दे रहा है, आपको कब्जा पत्र भी बना के दे रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी आपकी होगी, क्योंकि एट द एंड वो प्रॉपर्टी का मेन मालिक वही होता है जो डेवलपर रहता है, जो सेलर रहता है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो 7/12 रहता है, जो प्रॉपर्टी कार्ड रहता है, उस पर उसी का नाम रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं चढ़ सकता है। तो दैट्स वाई मैं बायर को यही सजेशन देना चाहूंगा, प्रॉपर्टी उन्हीं से लो कि जो कंपनी रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। क्योंकि आज 2017 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेरा कानून लाया है, ये रेरा कानून बायर्स के लिए बना हुआ है, कस्टमर्स के लिए बना हुआ है। तो जो कंपनी रेरा के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसके पास अपना रेरा नंबर है, उसके साथ काम करो। जिसके प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है, इवन रेरा प्रोजेक्ट भी हमको रेरा रजिस्टर्ड करना होता है। अगर मेरे भी प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो मुझसे प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आप अगर किसी भी बायर के पास, आप किसी भी वेंडर के पास जा रहे हैं, तो उनसे पहले पूछिए आपका प्रोजेक्ट रेरा है क्या, आपकी कंपनी का रेरा है क्या। क्योंकि गवर्नमेंट रेरा ऐसी नहीं देती, गवर्नमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स के छानबीन करने के बाद सब रेरा रजिस्टर कर देती है प्रोजेक्ट को। तो मेरा एक सजेशन रहेगा बायर्स के लिए कि आप जहां पर भी प्रॉपर्टी ले, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वैनगंगा रियलिटी से ले, हमसे ले, लेकिन क्योंकि मैं अकेला ही मार्केट में जो रेरा में काम करता हूँ, ऐसा अकेला वेंडर नहीं हूँ मार्केट में। आज अगर 100% लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 50% लोग ऐसे भी है कि जो रेरा रजिस्टर्ड और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही, RL वाले, NMRDA सेंक्शन प्रोजेक्ट, और जिसमें बैंक लोन अवेलेबल रहते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो आप जहां पर भी अगर प्लॉट बाय करने जाते हैं, प्लॉट खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले उस जो सेलर है उसका रेरा रजिस्ट्रेशन है क्या, उसके प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है क्या, ये देख के ही आप उसमें आप डील करें।
और वही देख के आप आगे बढ़े, ये मेरा एक आपको सजेशन रहे। हम तो कैसे हैं कि मैं पहले से ही पहले स्पीच में मेरा बोला कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स जो है काफी सारे वैरायटीज है, 500 रुपीज स्क्वायर फीट से लेकर के 2500 पर स्क्वायर फीट तक के हमारे पास प्रॉपर्टीज है। जैसे कि मैं बात करूँ तो शहर से एकदम काफी पास में, जैसे कि आज साउथ नागपुर का एक रिनाउंड एरिया है मनीष नगर, तो मनीष नगर के 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में मेरे करीब करीब 3 से 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर एक 1590 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के 2500 रुपये स्क्वायर फीट तक के मेरे पास प्रॉपर्टीज है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो नागपुर का न्यू आउटर रिंग रोड है, जो बाईपास है, उसकी इनर साइड में मेरे 3 से 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी अपकमिंग एक 8 से 10 दिन में मेरा एक नया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं, मौजा पांजरी करके आता है वहाँ पर, जो कि होटल ली मेरिडियन के जस्ट बैक साइड में आता है। उसके बाद कुछ हमारे जमीनों की परचेसिंग रिंग रोड भी हुई है, वहाँ भी 1-2 महीने के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे हमारे। उसके बाद जैसे कि रिनाउन लोकेशन है जामटा, जिसमें वीसी स्टेडियम है, तो वीसी स्टेडियम के सराउंडिंग में कुछ प्रोजेक्ट हमने किए हुए हैं और कुछ रनिंग में भी प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं, जिसमें मेरा एक 1150 रुपये स्क्वायर फीट से मेरे पास प्रॉपर्टीज है वहाँ पर, सारे एनिमोडिशंक्शन है। उसके बाद जो मिनिमम रेट वाली मैंने प्रॉपर्टी बोली है कि 550 रुपये से लेकर के मेरे पास जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी बूटीबोरी के सराउंडिंग में आएगा, बूटीबोरी के जो MRDC है वहाँ से 3 किलोमीटर के सराउंडिंग में मेरे पास वो प्रॉपर्टी है, वो भी RL वाली है, एनिमोडिशंक्शन प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोकेशन में मेरे पास सारी एनिमोडी सेंक्शन प्रॉपर्टीज है, इसीलिए हम इतने प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट लेते हैं उसको लेके चलते हैं। हमारे पास बायर सर एक लोअर क्लास से लेकर के हायर क्लास तक के आता है, तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे पास जो भी व्यक्ति आया है मैं उसकी इच्छा पूर्ति करूँ, उसकी जो रिक्वायरमेंट हो पूरी करूँ। दैट्स व्हाई मैंने हर रेंज की प्रॉपर्टीज मेरे पास रखी हुई है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी बायर आए वो मेरे यहाँ एक सेटिस्फाइड होके जाए। रिसेंटली मेरा एक प्रोजेक्ट जो कम्प्लीट हुआ मौजा गुटाड़ पांजरी में एम्पायर सिटी के नाम से, यह प्रोजेक्ट में सर मैंने हैदराबाद की राजमुंद्री से पेड़ लगाया। अब देखिए प्लांटेशन ही तो करना है ना, प्लांटेशन क्या है, 100 रुपये का झाड़ नर्सरी से मिल जाता है, कलमेश्वर नर्सरी में जाओ 100 रुपये का झाड़ आ जाता है, लेकिन मैंने राजमुंद्री हैदराबाद के पास आती है वहां से 10 से 15 फीट 20 फीट हाइट के जो पेड़ है, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ जो कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातीज भी है, तो वो पेड़ मैंने वहां से ट्रक लोड करा के यहां बुलाया और मेरे प्रोजेक्ट के अंदर में वो पेड़ लगाया। मुझे लोडिंग करीब करीब 1000 रुपीज पर पेड़ की मुझे कॉस्टिंग पड़ी है। अगर मेरे रोड की अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो सरफेस एरिया जो है, जो मेरे प्लॉट का सरफेस एरिया है, उसे करीब करीब 2.5 फीट 3 फीट हाइट पे मेरे रोड बने हुई है। मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मार्केट के जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, उसे 10-20 रुपये पर स्क्वायर फीट महंगे में काम करता है, लेकिन मैं उसको देता हूँ, मुझे मजा आता है, क्योंकि मेरा है कि मैं जो एडवर्टाइजमेंट पैसा करता हूँ, खर्चा नहीं करता, जो बचा लेता हूँ वो पैसा मैं कहीं ना कहीं लोगों को क्वालिटी भी दूँ। और मेरा बिजनेस का तरीका ये है, मेरे पास मैं बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं बताऊंगा, लेकिन साल भर में करीब करीब 2.5 लाख से 3 लाख स्क्वायर फीट का माल बेचते हैं। मेरा ऑफिस वैनगंगा रियलिटीज के नाम से, ये नागपुर का जो नॉर्थ साउथ रोड है, वर्धा रोड जिसको बोलते हैं, तो वर्धा रोड के एयरपोर्ट के जस्ट 1 किलोमीटर पहले एक सोमल वड़ा स्क्वेयर आता है, हाईवे पे है सोमल वड़ा स्क्वेयर, स्क्वेयर पे मेरा ऑफिस है सिग्नल के पहले लेफ्ट हैंड साइड में, बिसाइड डोमिनोज पिज्जा, वैनगंगा रियलिटीज के नाम से मेरा ऑफिस है। और रही बात साइट विजिट के लिए, तो कैसा है कि मेरा जो स्टाफ है अलग अलग माध्यम से, मीडिया में, फेसबुक, उसके बाद 99acres और अलग अलग जो भी साइट्स है, बिजनेस साइट्स, उनसे वो एडवर्टाइज करते थे छोटी मोटी, तो वहाँ उनके थ्रू भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैनगंगा रियलिटीज आप गूगल पे भी डालेंगे, गूगल पे भी अगर किसी ने वैनगंगा रियलिटीज टाइप कर दिया, वैनगंगा रियलिटीज नागपुर, तो आपको गूगल पे सीधा पेज खुलेगा, गूगल का मेरे कंपनी का पेज खुलेगा और मेरा पर्सनल नंबर आएगा जो कि 8806091719, यह मेरा पर्सनल नंबर है जो मेरे हाथ में मोबाइल रहता है, तो इस पे भी आप अगर कॉल करते डायरेक्टली आपका कांटेक्ट मेरे से होगा, जिसमें कहीं पर भी हमारे ऑफिस में हम जैसे कि बोलते हैं प्रॉपर्टी का काम है, कमीशन बांटी जाती है, एक मेजर कमीशन का पार्ट होता है, तो मेरे यहाँ कमीशन नहीं, सारे सैलरीड स्टाफ काम करते हैं, और अगर मेरे पर्सनल नंबर पे आपने फोन कर लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मेरे से ही आपकी डायरेक्ट बात हो जाएगी, तो गूगल के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे फिर से मैं आपको एक नंबर बोलूंगा मेरा 8806091719, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साइड विजिट के लिए मेरे ऑफिस से गाड़ियाँ की सुविधा है, मेरे यहाँ ड्राइवर है, ड्राइवर स्टाफ है, गाड़ी में साइड विजिट के लिए मेरे ट्रेंड एकदम सेल्स एडवाइजर्स है जो कि 10-10 साल से मेरे पास काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, आप अगर यहाँ तक आ गए तो आपको गाड़ियों में हम हमारी साइट्स विजिट कराते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं अब्रॉड में हैं या फिर आप नागपुर से 600-700 हजार किलोमीटर की दूरी पे अगर रह रहे हैं, आप नहीं आ पाते हैं, तो इसमें आपको ऑनलाइन भी साइट विजिट कराते हैं हम, अगर आप चाहें तो हमारा एडवाइजर आपको कांटेक्ट करेगा, आपको
व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू आपको ऑनलाइन सबमिट करा देगा। इवन आजकल कैसा है सर, डिजिटल मीडिया है, डिजिटल युग चल रहा है, तो आप जीपीएस के थ्रू भी आप लोकेशन देख सकते हैं। तो ऐसी सारी सुविधाएं हमारे पास है, तो आप जैसे चाहे आप रीच कर सकते हैं। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।